सपोर्ट करया करो सारे भाई जो से अपने हरियाणा से हैं, भाई का चैनल सारे भाई सपोर्ट करया करो। अरे भाई बहुत खुल के प्यार दो भाई ने, लगना चाहिए भाई हरियाणा वाले क्या नहीं कर सकते। अरे मैंने देखो ऋषभ भाई सामने कहा अगर भाई गाड़ी चुर गई तो मैं नई गाड़ी दूंगा इस वक्त भाई को। सुबह के हो गए हैं 11:30 और हम निकल रहे हैं, फाइनली पैकिंग कर ली है मैंने, गाड़ी मेरी रेडी है, गाड़ी पिक करनी है और डायरेक्ट निकलना है अब देहरादून के लिए। हाँ मैं जा रहा हूँ देहरादून और ब्लॉग में आएगा बहुत मज़ा है। इस वाले ब्लॉग में तो मैं अपनी जर्नी दिखाऊंगा वहाँ तक की, फिर उसके बाद आगे का प्रोग्राम अगले ब्लॉग में आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला ब्लॉग जरूर पसंद आएगा। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। टोल पे पहुंच चुका हूं मैं अपने और इसके बाद अभी 3 टोल और आएंगे तो फिर तब आएगा देहरादून। तो पहला टोल तो अपना ये वाला भाइयों फ्री है, ये वाला टोल, इस वाले टोल पे अपना कोई चार्ज नहीं कटता है, ये बात इस टोल की सही है। इसलिए इस टोल पे तो हम कितना भी आना जाना कर लो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, देखो फ्री है इसका, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपये नहीं कटता है ना पेटीएम वॉलेट से ना किसी चीज़ से। चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बाकी देखते रहो आगे, एक ही जगह रुकूंगा अगर रुकूंगा तो, वरना तो भैया डायरेक्ट दून ही है अपने। फिर शाम को टाइम हो रहा है 12:44, एक्सपेक्टेड है कि हम पहुंच जाएंगे वही 6-7 बजे, इतने बजे तो पहुंच जाना चाहिए अपनों को। आज मज़ा आ रहा है बट ये है कि गर्मी बहुत है, आज ज़्यादा ही गर्मी है कुछ, देखते रहो आगे। यहाँ पे हमने लगा दी है गाड़ी अपनी, वो रही, रुके हैं थोड़े ब्रेक के लिए खाने के लिए। एक यही ढाबा है जो मतलब देहरादून वाली रोड में थोड़ा सही है, ये बता दूं मैं आप लोगों को, ये रहा खैरा करके, ये भी अभी बन रहा है फिर से, पर इसका खाना का स्वाद थोड़ा अच्छा है भाई। वो ये सब कुछ इस तरीके का, कुछ ऐसा है, लंच वंच हो गया है, अब डायरेक्ट निकल रहा हूँ देहरादून की ओर और डायरेक्ट अब आपको रास्ते में देहरादून में ही मिलूँगा मैं। देहरादून में पहुंच गया था तो अब थोड़ा जा रहे हैं ऐसे ही, मतलब आगे सिद्धू वाला है एक जगह देहरादून में, उसके चौक तक जा रहा हूं, जरा मेरे को एक काम है फिर उसके बाद। अमृत तो आ गया था हमारे साथ, अब भाइयों एक बंदे से और मिलवाना है। हेलो, हमारे ऋषभ भाई भी आ रखे हैं हमारे साथ और सीन कुछ ऐसा। ऋषभ भाई कहाँ चल रहे हैं आप, रूम पे तुम्हारे? चलो रूम साइड जा रहे हैं ऋषभ भाई के, इधर ही रहते हैं चौक के इधर, लोकेशन नहीं दिखाऊंगा रूम के, पता लगा सब आ गए किच्छा वाले, पार्टी करेंगे, पार्टी होगी आज रात को कह रहे हैं, सिस्टम बिठाते हैं कुछ आज वाले ब्लॉग में। भैया कुछ हुआ हो नहीं हुआ हो भाई, मेरी हालत खराब हो गई है, अकेले पूरे रास्ते गाड़ी चलाई है मैंने, कमर दर्द कर रही है, पता नहीं क्या क्या दर्द कर रहा है, पर भैया बहुत खराब सीन है, बहुत खराब हालत है मेरी। ये भाई को मैंने 40 बार कॉल करा कि भाई क्लॉक टावर पे आ जा घंटा घर पे, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मेरे को उठा ले भाई, कुछ बोलना चाहेंगे? शिवालिक करके कोई कॉलेज है भाई का, और भाई नहीं नहीं एडमिशन लो आपके ऊपर है,
पर भाई उसमें दिन से रात तक पेपर ही चलते हैं, और भाई पूरे हर दिन जब पूछो तो स्टूडेंट से पेपर चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, ऐसा है। ऋषभ चौहान करके स्टूडेंट है, कह रहे हैं सही कह रहे हो ना? कौन से पेपर चल रहे हैं आज? फिजियोलॉजी का था ये भाई, अगस्त से चल रहा है फिजियोलॉजी, मतलब अगस्त मिड से अभी तक फिजियोलॉजी चल रहा है। सो गाइस सीन कुछ ऐसा है, ऋषभ भाई के रूम पे गए थे, फ्रेश फ्रेश हो गए हैं, और हमारे दो भाई हैं रवि भाई और क्षितिज भाई करके, उनके पास जा रहे हैं मिलने उनसे। रात बहुत हो गई, कितने बज रहे हैं? आठ छः बज रहे हैं, अच्छा 8:06, वही मैंने कहा 8 बोल रहा है फिर 6 बोल रहा है, तो गाइस टाइम हो रहा है 8:06। और अब भाइयों को एक मिनट मैं भी फ़ोन लगा लूँ थोड़ा, ये क्या सिस्टम है। वैसे सिस्टम से याद आया, आज हमारे एल्विश भाई का बर्थडे है, हमारे सिस्टम वाले भाई का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू एल्विश भाई। चलो डायरेक्ट अब उन्हें कॉल लगाते हैं, उनके पास चलते हैं। आओ सितेज भाई, ये देखो गाइस मिले हमारे सितेज भाई से। राम राम भाई, सारे भाई को भाई हमारे पानीपत से, हरियाणा से, और बहुत बढ़िया भाईचारा है अपना। क्या हाल है सितेज भाई? कुछ भाई हम लोगों के लिए? अरे यार सारा साथ ही है भाई, सपोर्ट करया करो सारे भाई, जोन से अपने हरियाणा से हैं, भाई का चैनल सारे भाई सपोर्ट करया करो। अरे भाई बहुत दर्द बोल के प्यार दो भाई ने, लगना चाहिए भाई हरियाणा वाले के नहीं कर सकते। अरे यार मैंने एक बात सुनी है, उत्तराखंड भाई, उत्तराखंड वाला अकेला खड़ा है तो हरियाणा वाला भाईचारा अकेला खड़ा है। बताने की जरूरत ना है, यो हकीकत है, जो बताने की जो सिस्टम है भाई। भाइयों मिल चुके हैं सितेज भाई से, शुभम भाई का कॉल आ रहा था कि वो यहाँ नहीं है, वो गए हुए हैं बिहार, और वो फिलहाल हमसे मिल नहीं पाएंगे। पर सितेज भाई से अच्छा हो गया, सुन लिया सितेज भाई ने जो कहा है, तो जाके सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, लाइक कमेंट शेयर कर देना इस ब्लॉग को, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और आए हमारे अमृत भाई को, बड़ी लेट होती रहती है हर जगह की, भाई को गाड़ी की बड़ी टेंशन है। हाँ अमृत भाई, भाई मैंने कहा अगर भाई, मैंने देखो ऋषभ भाई सामने कहा अगर भाई गाड़ी चुर गई तो मैं नई गाड़ी दूंगा इस वक्त भाई को। भाई मैंने बोला है लौंडे को भेजो हॉस्पिटल ले जाना है। अरे ठीक है मैंने कहा, पर भाई को गाड़ी चुरने की चिंता थी, मैंने कहा भाई मैंने बोला हाँ नहीं बोला भाई, मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ अगर भाई की गाड़ी अभी भी चुर गई हो तो मैं गाड़ी दूंगा, और एक क्लिप कटेगी नहीं, जाओ मैंने शर्त बोल दी, अगर भाई की गाड़ी चुर गई हो मैं गाड़ी दूंगा। क्लिप मत काट, मैं कह रहा हूँ भाई गाड़ी और भाई, भाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाड़ी से। अरे भाई वो ठीक है पर तुम्हें पहले गाड़ी की चिंता, मैंने कहा गाड़ी दूंगा बोला था इसने, पहले गाड़ी की बोला था, देखो झूठ मत बोलना। अरे चलो सब्सक्राइब मारो, हम आपको सब्सक्राइब तो मारो भाई, वो तो प्यार है, शेयर करो। चलो ठीक है भाई, ये देखो कुछ नहीं आगे को जा रहे हैं हाईवे को, एक भाई और है अपना बहुत खास, इनका पड़ोसी आने वाला जल्दी, उसे ही मिलाएंगे आपको, वो इतना खास है कि चीफ गेस्ट है वो भाई से मिलते हैं फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि भैया रात हो गई है, कल मिलूंगा, थोड़ा काम कर लें अपने सिस्टम है। भाइयों सीन कुछ ऐसा है, ISBT की ओर जा रहे हैं, तुम सबका एक चहिता भाई वहां पे आएगा हमारे साथ। हाँ और भाई ऋषभ भाई तुम कुछ बता रहे थे हमें। अरे वो बहुत चेपने वाला है सबकी। नहीं नहीं और कुछ, अभी जो अभी हम बात कर रहे थे अमृत वाली। नहीं नहीं अमृत वाली, अमृत भाई को क्या कह रहे हो तुम यार, मतलब हल्के में ले रहे हो अमृत भाई को तुम। चलो ले लो हल्के में लेने लायक। अरे भैया एक बात सुनो ऋषभ भाई, चलो एक बात बताऊं मैं, अभी तो हमें दारू के बारे में कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो कम से कम बंदे को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? कम से कम बीपी तो लेनी चाहिए यार, बीपी से नीचे नहीं जान सही कभी भी। देखो तो देख लिया गाइस, ये अपने ऋषभ भाई जिन्होंने कहा है कम से कम बीपी पे जाना चाहिए, बीपी से नीचे मत जाओ, बीपी से नीचे नहीं जाना, खराब हो जाएगा लीवर सब कुछ। देखा डॉक्टर साहब बता रहे हैं सब चीजें, बता भी रहे हैं कि पियो पियो लिमिट है पियो। ठीक है भाई मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, ना नशा ना बीड़ी ना गुटखा ना पान, तो फिर भाई हमारे लिए तो कुछ चीजें नहीं है, हमारे नेम करौली बाबा के भक्त हैं, बाबा की तो कृपा है। देखो भाई हमारी गाड़ी में बाबा आगे, बाबा बाबा ही बाबा है हमारी गाड़ी में भाई, बहुत बड़े भक्त हैं हम, बाबा की जय हो। चलो अभी फिलहाल गाइस जा रहे हैं भाई के पास, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सिस्टम हैंग करते हैं। और कुमार भाई क्या हाल है? आते ही भाई के ऊपर कैमरा, क्या हाल है? और कुमार भाई को एड्रेस बताना नहीं आता भाई लोग।
यही तो आना था, तू उल्टा सीधा घूम रहा है। वैसे भाई सोसाइटी बड़ी तगड़ी है, मोटी फरमे हैं कुनाल खुराना लोग किच्छा की। भाई कुनाल भाई कभी तू ना एक काम करियो भाई, ब्लॉग देखियो भाई, ब्लॉग में पूरे भाई कुनाल का प्रमोशन कर रहा था। अच्छा, मेरे YouTube चैनल का प्रमोशन नहीं किया? अरे YouTube चैनल पता नहीं, मैं भी ब्लॉगर हूँ। अरे भाई मैंने पूरा वो कर रखा है इसमें कि भाई कुनाल खुराना एक एपिक बंदे से मिलवा रहा हूँ मैं सब। अरे यार तो मजाक मान रहा है, यही हो एपिक बंदा। और YouTube चैनल का नाम तो बता दो अपने, खुराना ब्रदर्स व्लॉग्स। अरे दे प्रमोशन इसमें, खुराना ब्रदर्स व्लॉग भाई लोगों सब्सक्राइब कर लेना जितना भी हो, और प्यार दे देना, बाकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। भाई भूख लग रखी है अभी अच्छी वाली। कुनाल भाई कहाँ पे खाएं, कोई अच्छी सी जगह बताओ। अरे चाहे इधर चाहे उधर, क्लेमेंट टाउन जा रहे हैं अब, क्लेमेंट टाउन में बताओ क्या खाना है। कुछ भी भाई, भूख लगी है भाई, कुछ बताओ भाई। तुम्हारा है कोई है अपना जो फेवरेट पर्सनल? फेवरेट मैं बनाता हूं। अब बनाते हो? सो गाइस वो गए थे क्लेमेंट टाउन से, खा पी लिया, अब जा रहे हैं एक भाई के पास जा रहा हूँ मैं, जरा अपने कुछ काम है, फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप्स आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जितना हो सके उतना प्यार दिखाइए। और हाँ, ब्लॉग देहरादून के सारे आएंगे, आज डे वन था, डे टू का कल आएगा, डे थ्री परसों, पर जब तक मैं देहरादून में हूँ आपको सारे ब्लॉग्स मिलेंगे। कुनाल भाई साथ रहोगे ना ब्लॉग्स में? सिस्टम हैंग करेंगे कुनाल भाई। डिस्क्रिप्शन में चैनल डाल दिए, डिस्क्रिप्शन में भाई का चैनल एक बार फिर से बोल दो। क्या अपने चैनल का नाम भाई? खुराना ब्रदर्स व्लॉग्स। खुराना ब्रदर्स व्लॉग है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरे 3,500 हैं तो भाइयों 3,500 तो भाई के भी कर देना प्लीज, इतना प्यार दिखाना भाई को भी और मुझको भी, और जितना हो सके शेयर करो ये वाले व्लॉग को भी। मिलता हूँ आपके अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद बंदे।